आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जो अपने मरे हुए बेटे से लास्ट गुड बाय कहने के लिए उसे काले जादू की मदद से जिंदा करने का प्रयास करती है। क्या वो जन्म और मृत्यु के बीच के अंतर को खत्म करके उसकी आत्मा को वापस ला पाएगी? इस मूवी की शुरुआत में हमें दो विदेशी टूरिस्ट माइकल और मारिया को दिखाया जाता है जो भारत घूमने आए होते हैं। उन्हें भारत इतना अच्छा लगता है कि वो दोनों यहीं रहने का मन बना लेते हैं। उनके दो बच्चे होते हैं जिसमें बड़े बेटे के नाम ओलिवर और बेटी का नाम लूसी था। एक दिन बारिश में मारिया दोनों बच्चों को बाजार से ला रही होती है, तभी उसकी कार अनियंत्रित हो जाती है और उनकी कार पुल से टकरा कर नीचे नदी में गिर जाती है। बेचारे ओलिवर का गाड़ी में पैर फंस जाता है, इसलिए वो उसे निकाल नहीं पाती है। मारिया पहले लूसी को कार से निकाल लेती है। वो दोबारा से ओलिवर को निकालने जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ओलिवर की पानी में डूबने से मौत हो जाती है। एक माँ के लिए अपने बेटे को सामने मरते हुए देखना किसी पाप से कम नहीं होता है। मारिया ओलिवर की मौत के लिए अपने आप को जिम्मेदार मान रही होती है, इसलिए वो डिप्रेशन में चली जाती है। मारिया अपनी बेटी लूसी का भी ध्यान नहीं रख पा रही होती है। वो हमेशा खोई खोई सी रहने लग गई थी। मारिया कभी भी समय पर खाना नहीं खाती थी, वो बस ओलिवर को ही याद करती रहती थी। मारिया इतने बड़े सदमे को झेल नहीं पाती है और नींद की बहुत सारी गोलियां खा लेती है। रात को माइकल आता है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। सही समय पर पहुंचने की वजह से मारिया की जान बच जाती है। मारिया से मिलने उसकी नौकरानी पिंकी आती है। उससे उसकी ये हालत देखी नहीं जाती है और उसे बताती है उसने भी अपनी बेटी को खो दिया था। उसकी बेटी अनुष्का तालाब में डूबने से मर गई थी। अगर वो ओलिवर को लास्ट गुड बाय बोलना चाहती है तो उसके गाँव के जंगल में एक पुराना मंदिर है। वो मंदिर जीवन और मृत्यु के बीच की लाइन को अलग करता है। मारिया को मंदिर के दरवाजे पर अपने बेटे की राख को रखना है और मंदिर के अंदर चले जाना है। रात को दरवाजे पर उसका मरा हुआ बेटा ओलिवर उससे मिलने जरूर आएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, उसे मंदिर का दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खोलना है। इतने में ही माइकल वहां पर आ जाता है, इसलिए पिंकी को जाना पड़ता है। घर आने पर मारिया पिंकी के पास में जाती है और उसे मंदिर के बारे में पूछती है। पिंकी उसे बताती है ओलिवर कितना भी गिड़गिड़ाए उसके लिए मंदिर का दरवाजा नहीं खोलना है, वो बस उससे बातें करे और लास्ट गुड बाय बोलकर रात खत्म होने का इंतजार करे। मारिया उसी रात को अपने बेटे के ताबूत को निकलवाती है। उसके ताबूत में से खिलौना निकलता है जिसे उन्होंने ओलिवर के साथ में दफना दिया था। वो उसका अंतिम संस्कार करवाती है। हम बहुत सारे अघोरियों को देखते हैं जो मारिया को घूर रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो उसे चेतावनी दे रहे हों। अगले दिन मारिया ओलिवर की राख लेकर उस मंदिर के लिए निकल जाती है। वो मंदिर बिल्कुल जंगल के बीच में होता है। पिंकी के बताए अनुसार वो मंदिर के दरवाजे पर राख को फैलाकर अंदर घुस जाती है। वो अंदर से दरवाजे को बंद कर लेती है और रात होने का इंतजार करती है। रात होने पर वो मोमबत्ती जलाकर ओलिवर का इंतजार करने लग जाती है। अचानक ही मोमबत्तियां बुझ जाती हैं और दरवाजे से चिल्लाने की आवाजें आने लग जाती हैं। मारिया दरवाजे के पास में जाती है और उसे ओलिवर के रोने की आवाज सुनाई देती है। मारिया अपने बेटे ओलिवर की आवाज सुनकर भावुक हो जाती है और उसे ना बचा पाने के लिए माफी मांगती है। ओलिवर भी मारिया को माफ कर देता है। उसके बाद में ओलिवर वन्हा से जाने के लिए कहता है, लेकिन मारिया जो अपने बेटे के लिए तड़प रही होती है अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाती है। वो मंदिर का दरवाजा खोल देती है लेकिन उसे बाहर कोई नहीं मिलता है। तभी वन्हा पर एक अघोरी बाबा आ जाता है और उसे घूर कर देख रहा होता है, मानो जैसे वो उस पर आने वाले खतरे के लिए आगाह कर रहा हो। हम उस मंदिर की मूर्ति में दरार आते हुए देखते हैं और किसी शैतान के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। नेक्स्ट सीन में मारिया की बेटी लूसी को घर पर सीढ़ियों से ऊपर जाने की आवाज आती है। वो सीढ़ियां ओलिवर के कमरे तक जाती थी। लूसी को उधर जाने पर ओलिवर का खिलौना मिलता है जिसे उसके ताबूत के साथ में दफन कर दिया था। लूसी उस खिलौने को उठा लेती है और उसे ओलिवर के कमरे से किसी के होने की आहट आती है। सुबह मारिया अपने घर आ जाती है और उसमें हम बहुत सारे बदलाव नोटिस करते हैं। मारिया जो पहले उदास दिख रही थी अब वो बहुत खुश थी क्योंकि ओलिवर ने उसे माफ कर दिया होता है। वो ऊपर ओलिवर के कमरे में जाती है जहां पर लूसी किसी के साथ में खेल रही होती है, लेकिन मारिया को अंदर जाने पर बस लूसी ही मिलती है। लूसी बताती है मैं अपनी गुड़िया के साथ में खेल रही थी। दरअसल उसने झूठ बोल दिया होता है, वो ओलिवर की आत्मा के साथ में खेल रही होती है। वो लूसी को वन्हा से जाने के लिए बोलती है और जब मारिया दरवाजा बंद कर रही होती है तभी गिरे हुए खिलौने से ओलिवर का नाम लिख जाता है। दरअसल ओलिवर घर में अपने होने का एहसास करा रहा होता है। मारिया लूसी को उस खिलौने के साथ में देखती है। लूसी मारिया को बताती है कि ओलिवर वापस आ गया है और वह किसी से छिप रहा है। लूसी मारिया से यह भी कहती है कि उसे माइकल को ओलिवर की वापसी के बारे में तब तक नहीं बताना चाहिए
जब तक कि ओलिवर तैयार ना हो जाए। मारिया उस खिलौने को साफ करती है और उसे अपने बेटे ओलिवर की तरह प्यार करने लग जाती है। वो उस खिलौने को ओलिवर के कमरे में सुलाने के लिए ले जाती है। तभी कमरे की लाइट जल जाती है और ओलिवर के कमरे में जंगल बुक के साथ एक कुर्सी उसकी ओर बढ़ती है, जिस बुक को मारिया ओलिवर की मृत्यु से पहले पढ़ रही होती है। ओलिवर चाहता है कि वह किताब को खत्म करे। मारिया किताब को पढ़कर चली जाती है। अगली सुबह पिंकी को गार्डन के सभी पेड़ सूखे मिलते हैं और तालाब की सारी मछलियां मर जाती हैं। मारिया को उनका पालतू तोता भी मरा हुआ मिलता है। पिंकी को एहसास होने लग जाता है, जरूर मारिया ने मंदिर का दरवाजा खोल दिया है। लूसी को नहलाते समय मारिया को उसके कंधे पर काटने का निशान मिलता है। लूसी बताती है ये निशान ओलिवर के काटने से बना है और वो ओलिवर को अब बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। मारिया ओलिवर के कमरे में जाती है और उससे कहती है कि वह लूसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। ओलिवर मारिया को डराने की कोशिश करता है। रात को मारिया के घर में अघोरी बाबा आ जाता है और उसे एक शैतान की आत्मा को दिखाता है। पिंकी मारिया को दरवाजा खोलने के लिए डांटती है और उससे बोलती है, ओलिवर एक दुष्ट आत्मा बन चुका है, तुमने दरवाजा खोलकर जन्म और मृत्यु के बैलेंस को बिगाड़ दिया है। हिंदू धर्म के अनुसार ओलिवर की आत्मा का तब तक ठीक से पुनर्जन्म नहीं हो सकता है जब तक उसकी आत्मा इस पृथ्वी को छोड़कर नहीं जाती है। पिंकी बताती है, तुमने जिस शैतान को देखा वो आत्मा को ले जाने वाला यमदूत है, उसके बीच में जो कोई भी आएगा वो उसे मार देगा। पिंकी मारिया से ओलिवर की सारी निजी वस्तुएं जलाने के लिए बोलती है ताकि वो खुद ही इस पृथ्वी को छोड़कर चला जाए। पिंकी ओलिवर की सभी चीजें जलाने के लिए नीचे गार्डन में ले जाती है। पिंकी के माचिस जलाने से पहले ओलिवर की दुष्ट आत्मा उसकी मरी हुई बेटी अनुष्का बनकर आती है। ओलिवर पिंकी को तालाब में डुबोकर मार देता है। घर आने पर माइकल और मारिया को उसकी लाश मिलती है। रात को मारिया उसकी सारी निजी चीजों को जला देती है और आशा करती है अब सब कुछ सही हो जाएगा। तभी माइकल वहां पर आ जाता है और आग को बुझाने लग जाता है। मारिया माइकल को सब कुछ सच बता देती है। माइकल सोचता है मारिया दोबारा से पागल हो गई है, इसलिए वो उसे कमरे में बंद करके नीचे चला जाता है। हम बहुत सारे अघोरी बाबाओं को देखते हैं जो मंत्र पढ़ रहे होते हैं। माइकल घर का दरवाजा बंद कर लेता है। इतने में लूसी अपने पालतू कुत्ते को मार देती है, जिससे हमें पता लगता है ओलिवर की आत्मा लूसी में आ चुकी है। इसके बाद में लूसी माइकल के पेट में चाकू मारकर उसे बेहोश कर देती है। मारिया घर का दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाती है। नीचे जाने पर अघोरी बाबा लूसी को पकड़ लेते हैं और ओलिवर की आत्मा को निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसकी आत्मा बाहर नहीं आ रही होती है, इसीलिए वो लूसी की बलि देने का फैसला करते हैं। लेकिन माइकल को होश आ जाता है और वो लूसी को बचा लेता है। मारिया ओलिवर से अपने शरीर में आने के लिए कहती है। जैसे ही ओलिवर उसके शरीर में आता है, अघोरी बाबा मारिया को मार देते हैं। हम यमदूत को देखते हैं जो मारिया और ओलिवर की आत्मा को ले जाता है। मूवी की एंडिंग में माइकल को उस मंदिर के दरवाजे के पास में दिखाया जाता है जो मारिया से बातें कर रहा होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।